नहीं ठीक है ठीक है रोल। हाँ सर, शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी पुलिस की मोहर का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा था। क्या कुछ मामला है और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई सर? आज दिनांक 13 दिसंबर 2023 को थाना विजयनगर में मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी थाने की मोहर बना के फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने इसमें सूचना के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम हरीश, प्रिंस और सूरज हैं। इनके पास विजयनगर थाने की मोहर, फर्जी मोहर और थाना लंका जनपद वाराणसी की भी एक मोहर मिली है और इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। ये जो लोन, कार लोन की जाती है उसमें जो किस्तें चुका नहीं पाते उनकी जो गाड़ी सीज करने की कार्रवाई होती है उसके लिए जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और पुलिस का रोल इसमें से कट करके सीधा अपने ही तरफ से उसकी रिकवरी की कार्रवाई कर देते थे। सूचना के आधार पे इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। सर, ये जो रिकवरी एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति है इसकी गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं? 3 लोग गिरफ्तार है इसमें और इनका जो रिकवरी एजेंट का जो मालिक है आशीष, इसकी गिरफ्तारी बाकी है, ये फरार है अभी। सर, ये पहले किसी रिकवरी एजेंसी के साथ, बैंक के साथ या फाइनेंस कंपनी के साथ क्या काम करते थे पहले किसी के? ये अलग अलग बैंकों के साथ काम करते हैं। जैसे भी बैंक को रिकवरी करने की ज़रूरत होती है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और ये गाड़ी की रिकवरी करके दे देते हैं। हाँ सर, बैंक को भी गुमराह करते थे कि पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया है? हाँ, बैंकों को ये फर्जी दस्तावेज दिखाते थे कि हमने ये कार्रवाई पुलिस के तहत की है, लेकिन ये पुलिस को बिना सूचना देते ही फर्जी दस्तावेज बना के कार्रवाई करते थे। अब तक कितनी गाड़ियाँ इन्होंने इस तरीके से ली होंगी इसकी? अब तक तो 10-12 गाड़ियों के बारे में पता चला है और बाकी हम आगे की जानकारी कर रहे हैं। क्या बैंक को भी कोई मिली भगत इसमें? अभी तक तो हमारे पूछताछ में बैंकों की मिली भगत आई नहीं है, अधिक जानकारी हम कर रहे हैं। तो क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? अभी एक आशीष नाम का अभियुक्त फरार है और बाकी के अभियुक्त के बारे में जानकारी कर रहे हैं। असर प्रोफाइल क्या है और कहाँ इन्होंने स्टैम्प बनाई जो इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? इनका जो यार्ड था ये वेव सिटी थाना क्षेत्र में आता है और ये रहने वाले भी 2 लोग वेव सिटी के हैं और एक मोहन नगर का है। ये 10वीं और 12वीं पढ़े हुए हैं और मतलब कोई इसमें मैनेजर पद पे काम कर रहा था, कोई मुंशी के और गार्ड के पद पे काम कर रहे थे। असर जो मोहर आई वो कहाँ से आई, इन्होंने बनवाई है या? ये इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं।